पाकिस्तान इस वक्त बगैर किसी कानून के चल रहा है। इन्होंने वजीर खजाना एक ऐसे बंदे को बनाया है जो पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं रखता था। क्या माएं बांझ हो गई हैं, पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि मंडे को हमारी मुलाकात खान साहब से कराई जाए, लेकिन जस्टिस ने हमारी मुलाकात नहीं कराई। हम काफी सुबहों से लेकर शाम तक इंतजार भी करते रहे और फिर उन्होंने बिना से मुलाकात नहीं कराई, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चल गए। एप्लीकेशन दायर की थी यहाँ पर रिट के, भाई उन्होंने ऑर्डर नहीं माना ही कोर्ट का, तो वाक्य में एक बिदत है। ये दलिया के अहकाम को ना मानना एक बिदत है, एक इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। अगर ये रवाज पर आ जाए तो आप मुझे पता है मुल्क कहाँ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदलिया वाकिया अपनी वो जो होते हैं ना कि पावर होती है अदलिया की, कानून के निफाज की, वो पावर खो चुकी हुई है। और आज हम जब आए हैं तो इन्होंने नोटिस जारी किया है कंट्रैक्टर कोर्ट का और सुप्रीम जज साहब को बुलाया है इन्होंने 15 तारीख को। तो अब देखें पाकिस्तान इस वक्त बगैर किसी कानून के चल रहा है। लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात और उनकी ज़ाती जो क्या उसे कहते हैं कि आरजुएं होती हैं और उसके मुताबिक चल रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त आईन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा और ये एक अलमी है बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ा अलमी है। आप देखिए इन्होंने वजीर खजाना एक ऐसे बंदे को बनाया है जो पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं रखता था, उसको कैबिनेट ने मीटिंग करके पाकिस्तान की नेशनलिटी दी है। अजीब है, 25 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान के हैं, क्या माएं बांझ हो गई हैं कि एक ऐसा अच्छा आदमी पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं हुआ है कि जिसने वजारत खजाना चलानी हो। सारे के सारे इम्पोर्टेड किस्म के लोग लगते हैं और डिप्लॉयड हैं आलमी हुकूमतों के, जो हमारे वतन को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। एक भी ऐसा नहीं है जिसे पाकिस्तानी कहें कि भाई हम इसको ऑन करते हैं, पाकिस्तानी अवाम ही हमारा है, हारा हुआ लश्कर है जिसे हम पर मुसल्लत किया गया है। और इनके पास देख ले आप, कोई कहाँ से बुलाया जाता है, कोई बरतानिया से बुलाया जाता है, कोई किधर से बुलाया जाता है, और किसी को वहां से कहा जाता है इसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, अवाम से नहीं पूछा जाता कि तुमने किसको वोट देना है, किसको इलेक्ट करना है, अवाम कोई हैसियत नहीं रखते। लिहाजा ये गलत राह पर चलने के नतीजे जो है ना फिर यही निकलते हैं कि पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। एक आदमी जो बाहर रहता है, हॉलैंड का नेशनल है और हमारा वजीर खजाना बनाया जा रहा है,